बनाने का तरीका बिल्कुल एकदम बगैर कोई कलर के, बगैर कोई केमिकल के, अगर आप लोग भी सोच रहे हैं ऐसा बनाना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ये हिसाब से अगर बनाएंगे बिल्कुल एकदम रोड जैसा आपका एकदम परफेक्ट और ज़बरदस्त बनेगा। अब चलो हम इसको उतार के उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इससे सेव पूरी और भेल पूरी। ये इमली का चटनी, अब उसके बाद थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे हम प्याज। हाँ भैया, हाँ, अब ये प्याज मारने के बाद अब ऊपर से डालेंगे सेव। ये हमारा सेव पूरी बन के हो गया रेडी। ये अब हो गया हमारा रेडी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दिल से हमारे YouTube चैनल में। क्या आपको पता है गोलगप्पे का मीठा पानी गाढ़ा पानी बनता कैसे? अगर नहीं पता है, आज मैं आप लोगों को ऐसा तरीका, ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना, बिल्कुल एकदम बाजार जैसा, एकदम 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 फर्स्ट क्लास जबरदस्त बनेगा। बताने से पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं रियल में गोलगप्पे वाले जैसा बनाने का बिल्कुल एकदम आसान तरीका। ये आप लोग देख सकते हैं, देखो हमारा अभी गोलगप्पे का काम चालू है और इधर हमारा, देखो इधर हमारा जो है मशीन, आप लोग देख सकते हैं ये हमारी मशीन और हम लोग मशीन से ही बना रहे हैं। और इधर हमारा देखो पेड़ा, इधर हम लोग पेड़ा बना रहे हैं। चलो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ बिल्कुल एकदम आसान और बहुत ही जबरदस्त तरीका। सबसे पहले देखो क्या करना है, जो हमारा इमली है अब इसको भिगा के कम से कम एक डेढ़ घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। और जबकि हमारा पानी जो है ये बिल्कुल एकदम नॉर्मल ठंडा पानी है, हम इसमें भिगाएंगे, बिल्कुल गर्म नहीं करना है। अब ये हिसाब से हम इसको भिगा के थोड़ी देर के लिए, एक डेढ़ घंटे के लिए अच्छे से छोड़ देंगे ताकि ये हमारा बढ़िया फूल जाए। फूलने के बाद फिर हम इसको निकाल के फिर बनाएंगे इसकी इमली की एकदम खट्टी मीठी चटनी। आज मैं आप लोगों को पूरा, अगर ये वीडियो अच्छे से देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे पानी पूरी वाले जो इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाते हैं, भेल की चटनी बनता कैसे, बहुत आसानी से आप लोगों को पता चल जाएगा। अब आप लोग देखेंगे तो हमारा जो इमली है ये एक घंटा भिगाने के बाद एकदम अच्छे से फूल गया। अब इसको देखो हम अच्छे से मसल के इसका पूरा एकदम अच्छे से निकाल लेंगे ताकि हमारा जो इसका चटनी बने एकदम परफेक्ट बने। अब ये हिसाब से हम इसको अच्छे से मसल मसल के बढ़िया से निकाल लेंगे पूरा और उसके बाद फिर हम इसको छान लेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं हम इसका बिल्कुल एकदम अच्छे से निकाल लिए। उसके बाद अब इसको हम ये हिसाब से देखो इसको हम छान लेंगे ताकि हमारा जो इमली है नीचे चले जाए और इसका जो बीज है और जो भी है वो इसमें रुक जाए। अब ये हिसाब से हम इसको एकदम हिला के अच्छे से बढ़िया से छान के निकाल लेंगे। अब बिल्कुल एकदम आसान तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बिल्कुल एकदम रोड जैसा। अगर सोच रहे हैं खट्टा मीठा इमली का चटनी बनाना तो बहुत ही आसानी से बना लेंगे। अब ये हिसाब से देखो हिला के एकदम अच्छे से इसको छान लेना है। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा एकदम अच्छा पूरा छान लिए हैं। छानने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे मसाला। ये हो गया हमारा अच्छा बढ़िया साफ। अब जो हमारा इमली है अब इसको हम पकाने के लिए ले लिए हैं बड़ा सा भगोना। और भगोना लेने के बाद इसके अंदर देखो हम मसाला क्या क्या मिलाना है आप लोगों के सामने। हमारा 250 ग्राम इमली है। उसके बाद ये अगर आप लोग देखेंगे तो हमारा एक किलो हमारा गुड़ है, ये गुड़ और ये लाल मिर्ची पाउडर और ये हमारा सादा नमक और ये हमारा गरम मसाला। आप लोग देख सकते हैं इमली, ये गुड़, ये 250 ग्राम इमली है। ये बिल्कुल ध्यान से अगर समझेंगे तो समझ पाएंगे, एक किलो गुड़ और ये सादा नमक हमारा जो खाने का नमक, घर में खाने का नमक, और ये लाल मिर्ची पाउडर, ये हमारा गरम मसाला। अब चलो इसके अंदर हम मिलाते हैं ये अब डालेंगे एक चम्मच अपना गरम मसाला। सबसे पहले गया गरम मसाला, उसके बाद एक चम्मच डालेंगे इसके अंदर हम लाल मिर्ची पाउडर। ये गया लाल मिर्ची पाउडर, उसके बाद एक चम्मच हमारा ये सादा नमक और उसके बाद हम फोड़ के डालेंगे एक किलो गुड़ इसके अंदर। जो लोग भी, और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊं, ये आप लोग इसको भेल इसका बना सकते हैं, सेव पूरी बना सकते हैं और इसको समोसे के साथ खा सकते हैं, बिल्कुल एकदम बाजार जैसा जो सोच रहे हैं बिल्कुल बनाते कैसा, तो बहुत ही आसान तरीका। और अब इसको हम पकाएंगे, ये जो हमारा है जितना भी है इसका हम आधा पका लेंगे। जब आधा पक जाएगा तो एकदम परफेक्ट आपका बन जाएगा। ये हो गया हमारा
अब इसको ले चलेंगे, रखेंगे भट्टी के ऊपर। अब इसको हम ले चलते हैं भट्टी के ऊपर रखेंगे ताकि अच्छे से हमारा पक। अब इसको हम अच्छे से एकदम बढ़िया से पका लेंगे। अगर जैसा 1 लीटर है तो इसको हम 1/2 लीटर जला देंगे ताकि अच्छे से हमारा बढ़िया एकदम पक जाए। उसके बाद फिर हम इसको आप लोगों को दिखाते हैं बना कैसा हमारा। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा जो इमली है अब पकना शुरू हो गया है। अब ये हिसाब से हम बिल्कुल एकदम हल्के आंच पे इसको एकदम अच्छे से पकाएंगे कि मतलब जब तक आधा हमारा सूख ना जाए, जब तक इसको हम अच्छे से पका लेंगे। जब आधा हमारा पानी जल के ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर ये एकदम परफेक्ट बनेगा। अभी ये हिसाब से हम कम से कम इसको 1/2 घंटा और पका लेंगे ताकि हमारा एकदम गाढ़ा पानी बन के रेडी हो। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पकाने के बाद। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा जो इमली का चटनी है एकदम परफेक्ट बन के हो गया रेडी। ये देखो कितना बढ़िया, और 1 घंटा पकने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा और कितना बढ़िया बना है। ये है हमारा चटनी बनाने का तरीका, बिल्कुल एकदम बगैर कोई कलर के, बगैर कोई केमिकल के। अगर आप लोग भी सोच रहे हैं ऐसा बनाना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ये हिसाब से अगर बनाएंगे बिल्कुल एकदम रोड जैसा आपका एकदम परफेक्ट और ज़बरदस्त बनेगा। अब चलो हम इसको उतार के उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इससे सेव पूरी और भेल पूरी दोनों भी बनाकर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं जो मैं इमली का चटनी बनाया था अब उससे मैं बनाऊंगा ये हमारा सेव पूरी। अब सेव पूरी बनाने से पहले देखो कैसा करना है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। ये हिसाब से हम इसका पहले मसाला भर लेंगे इसके अंदर। ये हमारा आलू का मसाला, ये आलू का मसाला भरने के बाद ये हो गया हमारा आलू का मसाला भर के रेडी। अब मारेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा अपना ये ऊपर से और मसाला, ये थोड़ी सी लाल मिर्ची, अब उसके बाद ये हो गया हमारा ये इमली का चटनी। अब उसके बाद थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे हम प्याज। हाँ भैया, हाँ, अब ये प्याज मारने के बाद अब ऊपर से डालेंगे सेव। ये हमारा सेव पूरी बन के हो गया रेडी। ये अब हो गया हमारा रेडी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।